जय गुरु जी। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और ये यहाँ पे शाम का टाइम है, शाम हो सॉरी हाँ 8 बजे का टाइम हो रहा है शायद, 8:15। और अभी रात ओ सॉरी आज दिन है शनिवार, शनिवार की रात है, सॉरी शनिवार का है ये। तो आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा जो मैं मम्मी ने पूजा वगैरह की थी, उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ खाना बनाने। लाइट उधर की ऑफ कर दिया मैंने क्योंकि एक इधर की जल रही है इसलिए। तो बस यहाँ मैं लाल मसूर की दाल बना रही हूँ तो, और रोटी बनाऊँगी। चावल थोड़े से रखे हुए हैं पहले वाले तो वो खा लेंगे, तो उसके साथ बस दाल और लाल मसूर की दाल और रोटी। तो काफ़ी दिन से बनाई नहीं थी लाल मसूर की दाल इसलिए मन कर रहा था। तो यहाँ मतलब ज़ीरा वगैरह डाल के अपना और टमाटर हरी मिर्च से तड़का लगा दिया और मसाले अपने वही डाले हैं। और इसके बाद मैंने डाल दिया दाल यहाँ पे। दाल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि चावल थोड़े ही हैं, चावल नहीं बनाए, रोटी के साथ दाल खाएंगे तो बस ठीक है। फिर इतनी हो भी गई थी आराम से और मतलब फिनिश भी हो गई थी ताकि बचे नहीं ज़्यादा, फिर ज़्यादा बच जाती है रखी रहती है दाल, इसलिए कोई नहीं इसमें उबाल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ मैंने बना लिया रोटियाँ और हरा धनिया डाल दिया था मैंने दाल में उबाल आने के बाद। और उसके बाद मैंने यहाँ रोटी बना रही हूँ तो मम्मी को खिला दूँगी गर्मा गर्म। लड्डू गोपाल जी को दे दिया है पहले मैंने खाना। तो यहाँ पे ये और ये थोड़े से चावल रखे थे ना, इसमें जीरा मेरा ख़त्म हो गया है अभी, मसाले ख़त्म मतलब राशन ही पूरा ख़त्म हो रहा है, राशन मंगवाना है तो जीरा भी ख़त्म हो गया है। और उसके बाद फिर जीरा नहीं था तो ये राई का तड़का लगा दिया मैंने। ये चावल भी गर्म हो गया ठीक है, राई का तड़का लगा के अच्छे लगते हैं चावल। कैसे हैं आप सब? भाई आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है 11:05 है सुबह के, और अभी मैं बना रही हूँ पूरियाँ। आटा लगा लिया है मैंने, यहाँ मेरा तेल गरम हो रहा है पूरियों के लिए। और यहाँ मैंने सुबह बनाई, सुबह क्या मतलब वही जब इनके लिए ये रहा मटर आलू बनाई थी मैंने, मतलब इनके टिफ़िन के लिए बनाई थी लेकिन फिर ये लेकिन इनको देर हो रही थी, फिर वहाँ से दीदी ने ना कटहल भेज दिया था तो इसलिए फिर ये मटर आलू लेके नहीं गए फिर इसलिए। तो अभी सब्जी अब कन्हैया के लिए खाने में मतलब नाश्ते में उनको पूरी और मटर आलू की सब्ज़ी दे रही हूँ। आज काफ़ी दिन हो गए पूरी बनाई नहीं थी तो बस मन कर गया तो बना रही हूँ इसलिए। और तेल गर्म हो रहा है और यहाँ पर दूध भी उबाल लिया मैंने लड्डू गोपाल जी का, अभी इनको भोग लगाऊंगी। और मम्मी भी अभी अपनी पूजा वगैरह मंत्र वंत्र जो है इनको करके हटी है, राधे राधे जी सबको। तो अभी मम्मी ने भी अभी अपनी पूजा उजा की है, राधे राधे जय गुरु जी बोल रही है सोना। और आज संडे है तो छुट्टी है आज देविका की, इसलिए वो स्कूल नहीं गई है तो आज छुट्टी वाला डे है तो इसलिए मैंने कहा चलो पूरी बना लेते हैं। और कल तो इन लोगों की रहेगी छुट्टी और उन्नति खेलने में लगी पड़ी है, वो खेल रही है, वो तो अपने कंगे भंगे लेके खेलती रहती है बस ठीक है। चलो मेरा तेल गर्म हो गया, मैं पूरियां बना लेती हूँ, नाश्ता भी कर लेते हैं, 11 बजे भूख लग गया। और अब ठंड लगभग चली गई, थोड़ी बहुत रह रही है वो ज़्यादा नहीं है भाई। यह मैंने स्वेटर नहीं पहन रखा इधर को, मतलब ठीक है ठंड नहीं लग रही है कुछ, तो कई दिन से लगी मेरी ज़्यादा ठंड ठीक है। सुबह शाम की थोड़ी थोड़ी ठंड है अभी इसलिए, लेकिन रात को तो पंखा चला के सोना पड़ता है, गर्मी सी लगती है तो थोड़ी जैसे ओढ़ के भी सोते हैं पर पंखा भी चलाते हैं, घुटन होती है ना इसलिए। तो चलिए बहुत होगी ठंडी के ऊपर बातें, और बना लेती हूँ पूरियाँ। मटर आलू की सब्ज़ी मैंने सिंपल बनाई है ऐसी टमाटर वाली, जो आपको पता है हमारे लहसुन प्याज तो अभी खाते नहीं है ना, इसलिए जब बनाते लहसुन प्याज की तो अभी दिखाऊँगी। तो ये मैं भी मटर आलू ना बने हुए हैं अभी तो किसी के लिए, इनका टिफिन के लिए भी नहीं निकली, इसमें तो बिल्कुल ऐसी की ऐसी रखी हुई है इसलिए। तो इसको थोड़ा वैसे तो गर्म है अभी भी कुकर, क्योंकि मैंने 9:30 करीब ही बनाई थी सब्ज़ी, तो सब्ज़ी गर्म भी कर लेती एक साइड, दूसरी साइड दूध उबल गया और पूरियाँ बना लेती। लाइट आ गई चलिए थोड़ी देर से मिलते हैं। और यहाँ पे मैंने वो पूरियाँ बेल रही हूँ, पूरियाँ बना रही हूँ और क्योंकि सब्ज़ी मैंने सुबह ही बना ली थी। और सब्ज़ी मैं कैसे बनाती हूँ कि
वो तो मैं आपको दिखाती रहती हूँ, तो इसलिए बस ऐसे ही सिंपल से मटर आलू बनाए थे। तो मन कर रहा था खाने का, पूरी खाने का मन कर रहा था मटर आलू की सब्ज़ी के साथ, तो वही खाई थी। और आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि पता है हवा बहुत तेज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। मैं ना थोड़ा बाथरूम की तरफ आके ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि उधर टीवी चल रहा है अंदर को इसलिए, और यहाँ पर ना पन्नी वगैरह उड़ रही है तो उसकी आवाज़ आ रही है। तो यहाँ मैंने पूरियाँ बेल लिया, यहाँ फटाफट से थोड़ा सा मैंने तेल ले लिया, पूरियाँ बना लूँगी नाश्ते में, मन कर गया था तो आज पूरी आलू की सब्ज़ी मटर आलू की सब्ज़ी खाएंगे। और बस फटाफट से सेक के लड्डू गोपाल जी को पहले भोग लगा दूँगी, उसके बाद हम भी खा लेंगे कर लेंगे खाना। और मतलब मेरा वीडियो ना अब शायद मतलब लेट शाम को जाते हैं, तो जिसको नहीं पता उनको बता दूँ, कई बार होता है कि आप वेट करते हो, लेकिन अब मैंने अपने वीडियो की टाइमिंग ना थोड़ी चेंज कर दी है, मैंने शाम का रख लिया है। सुबह सुबह काम इतना होता है ना, एडिटिंग वगैरह भी नहीं हो पाती मेरी वीडियो, इसलिए। तो यहाँ मैंने पूरियाँ तल लेती हूँ फटाफट से, उनको भोग लगा दूँगी भगवान जी को। और हाँ, मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अगर चैनल पे अगर नए हैं न्यू आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने ना मम्मी को खिला दिया, उसके बाद मैं यहाँ अपने लिए लेके आ गई हूँ। देविका खा रही है, उसने सब्ज़ी फिनिश कर ली है उसकी पूरी भी, मम्मी खा चुकी हैं, मम्मी हाथ धोने जा रही हैं। ये मैंने अपने लिए चाय, पूरी, आलू की सब्ज़ी, तो आ जाइए आप भी खा लीजिए मेरे साथ। और यहाँ पे मैं आ गई दोपहर में, मतलब यहाँ पे फिर मैंने खाना ना खाने के बाद ना फिर मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर लिए थे कपड़े धोने की तैयारी कर ली थी, क्योंकि पानी भी आता है दोपहर में तो, और धूप भी निकलती है अच्छी, तो अच्छे से जल्दी मतलब सारा काम जल्दी जल्दी हो जाता है दोपहर में, ठंड भी नहीं लगती। वैसे अब ठंड कम हो गई है, लेकिन जो हवा चल रही है उसकी वजह से ठंड हो रही है, और बस थोड़ी बहुत ठंड है। अभी तो मैंने फ़िलहाल स्वेटर भी नहीं पहना हुआ है, लेकिन आज पहना हुआ है मैंने, अभी जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ ना तब मैंने पहन लिया, क्योंकि हवा की वजह से ठंड लग रही है इसलिए, बाकी तो धूप अच्छी निकल रही है। और यहाँ पे मैं मशीन लगा लूँगी, कपड़े धो लूँगी, क्योंकि आज मतलब क्या संडे है तो कपड़े भी हो गए थे काफ़ी, तो इसलिए तो धो लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पानी भरने के लिए मशीन में लगा दिया पानी, ये कपड़े भी इतने कपड़े निकाले मैंने, आपने देखा यहाँ मैंने ये पानी चला दिया है। तब तक मैं कपड़े थोड़े मतलब अलग अलग करूँगी ना, जैसे लाइट कलर के कपड़े अलग, डार्क कपड़े अलग, और जैसे कुर्ते वगैरह अलग धोती हूँ मैं, पैंट वगैरह अलग धोती हूँ, क्योंकि पैंट वगैरह में होता है बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह होती है। तो यहाँ मैंने सर्फ डाल दिया है, सर्फ एक्सल, और अभी मेरा ना सर्फ ख़त्म हो, कह रही हूँ ना राशन ही ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ सर्फ ही ख़त्म हो गया है, तो सर्फ़ के पाउच लेके आई थी मैं 10 वाले, वो उनसे धो रही हूँ। अब जब इकट्ठा आएगा ना सर्फ तो फिर डब्बे में भरूँगी, बाकी अभी तो पाउच लेके आ गई हूँ मैं, क्योंकि कपड़े तो धोना है, धोना है ज़रूरी है, कपड़े नहीं धुलेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ मैंने कपड़े डाल दिए हैं, 2 राउंड में धुलेंगे ये वाले कपड़े, क्योंकि स्वेटर वगैरह है, इनकी जैकेट है, ये देखो अभी 1 राउंड के तो ये है, और वो जो पजामा पैंट वगैरह है ना हमारी वो अलग है। तो यहाँ मेरा 1 राउंड के ये कपड़े धुल गए हैं, उसके बाद मैं यहाँ निकाल ले रही हूँ कपड़े, और अभी पानी आ रहा है तो फटाफट ना धुल जाएंगे कपड़े। पानी आता है ना तब मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कपड़े धोने में, क्योंकि पता है टंकी में वैसे होता है पानी हो जाती है, लेकिन फिर डर लगता रहता है कहीं ख़त्म ना हो जाए पानी, इसलिए। तो यहाँ दोपहर में मैं इसलिए लगा लेती हूँ यहाँ पर ये पानी, देखो पानी चला दिया मैंने, तो ये लगा देंगे पानी, कपड़े इतने वॉश हो जाएंगे और ड्राई हो जाएंगे। और आप किस तरीके से वॉश करते हो प्लीज़ बताना। और ये इसकी स्प्रिंग ख़राब हो गई है ना, इसलिए मुझे यहाँ पे बट्टा लगाना पड़ता है रोकने के लिए, क्योंकि इसकी स्प्रिंग अभी तक लगवा ही नहीं है। पहली बात तो अभी चेक ही नहीं किया कि कैसे क्या हुआ, इनको बोला है, लेकिन बस वो ये काम ही इतने होते हैं घर के, पूछो मत, ये चीज़ तो भूल ही जाते हैं, जब मैं कपड़े धोती हूँ तभी याद आता है। और यहाँ पे मैं अपने कपड़े मेरे धुल गए हैं तो उनको निकाल लूँगी, और फिर छत पे जाऊँगी सुखाने के लिए कपड़े। तो यहाँ देविका के सबके कपड़े धुल गए हैं ये 1 राउंड के, फिर मैं चली जाऊँगी छत पे। अच्छी काफ़ी धूप निकल रही है, ये देखो धूप अच्छी निकल रही है, और हाँ छत पूरी अभी खाली है फिलहाल, तो अभी मैं कहीं भी कपड़े फैला सकती हूँ। मतलब ये है कि कपड़े अब जल्दी जल्दी, हमारे जो पड़ोस वाली आंटी है उन्होंने भी सुबह कपड़े धो लिए थे, उनके शायद सूख गए, वो ले भी गई हैं शायद नीचे, तो इसलिए और मुझे स्पेस मिल जाएगा, मतलब उनकी रस्सी भी हम यूज़ कर लेते हैं, तो इसलिए। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से कपड़े फैला दूँगी।
और यहाँ पर मैंने दोपहर मैंने फिर चावल बनाए थे, मटर आलू की सब्ज़ी रखी थी, उसके साथ चावल बना लिए थे क्योंकि पूरी खाई थी ना हमने दिन में, तो काफ़ी हैवी हैवी लग रहा था पेट में, इसलिए सिर्फ चावल बनाए थे मटर आलू की सब्ज़ी के साथ। तो बस, और आ जाइए आप भी खा लीजिए, ये रही मटर आलू की सब्ज़ी, काफ़ी हो जाएगी क्योंकि थोड़ा ही थोड़ा खाना था हमें भी। और इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय गुरु जी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ हम देख रहे हैं बिग बॉस, ग्रैंड फिनाले चल रहा है बिग बॉस का, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।